दिल्ली से चोरी हुई कारों को इंदौर में खपाया जा रहा था, कभी नंबर बदलकर तो कभी गाड़ी ही बदलकर। जी हां, ये सच है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही दो आरोपियों को पकड़ा और उनसे 3 कार भी बरामद की है। इन बदमाशों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच DCP निमिष अग्रवाल के मुताबिक कुछ वक्त पहले दिल्ली पुलिस चोरी की कारों के सिलसिले में इंदौर आई थी। इसके बाद से ही क्राइम ब्रांच की टीम को एक्टिव किया गया था। इस बीच खजराना क्षेत्र में रहने वाले दो मैकेनिक सोनू उर्फ इफ्तियार पिता अब्दुल रफीक और आफताब खान पिता अख्तर के बारे में संदिग्ध कारों की जानकारी मिली। जानकारी निकाली तो पता चला उन्होंने दिल्ली में चोरी हुई कारों को इंदौर में खपाया है। इसमें एक मामला तो ऐसा था कि फरियादी को 3 महीने तक पता नहीं चला कि वह चोरी की गाड़ी ड्राइव कर रहा है। इंदौर में खपा रहे थे दिल्ली से चोरी हुई कारें। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और इंदौर में गाड़ी खपाने की वजह। क्राइम ब्रांच DCP निमिष अग्रवाल के मुताबिक कुछ वक्त पहले दिल्ली पुलिस चोरी की कारों के सिलसिले में इंदौर आई थी। इसके बाद से ही क्राइम ब्रांच की टीम को एक्टिव किया गया था। इस बीच खजराना क्षेत्र में रहने वाले दो मैकेनिक संदिग्ध नजर आए थे। जानकारी निकाली तो पता चला उन्होंने दिल्ली में चोरी हुई कारों को इंदौर में खपाया है। रिपेयरिंग पर दी तो चोरी की कार ही पकड़ा दी। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने फरियादी की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों को तो पकड़ा, मगर क्राइम ब्रांच भी उस वक्त आश्चर्य में आ गई जब ये मामला सामने आया। DCP अग्रवाल के मुताबिक फरियादी की स्विफ्ट कार एक्सीडेंटल हो गई थी। फरियादी ने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया क्योंकि इंश्योरेंस का कुछ इश्यू था। फरियादी ने अपनी कार सुधारने के लिए इन आरोपियों के गैरेज पर दी। बदमाशों ने दिल्ली की चोरी की कार को खपाने के लिए फरियादी की एक्सीडेंटल कार को ही बदल दिया। आरोपियों ने चोरी की कार को फरियादी की कार से बदल दिया और उसे दे दी और उससे रिपेयरिंग के 1,30,000 रुपए भी ले लिए। आरोपियों ने उस एक्सीडेंटल कार का क्या किया, इसकी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने से फरियादी दिल्ली से चोरी हुई कार ही ड्राइव कर रहा था। क्राइम ब्रांच ने इसकी जानकारी उसे दी। DCP ने बताया कि आरोपियों ने एक i20 कार को उज्जैन के अंकित नाम के व्यक्ति को बेच दिया था। बताया जा रहा है कि फरियादी के ही माध्यम से बदमाशों ने कार को बेचा। खास बात यह है कि दिल्ली की इस चोरी की कार को ट्रांसफर भी किया गया, यानी कार ट्रांसफर की पूरी प्रोसेस के साथ इसे बेचा गया। इस मामले में आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है ताकि बदमाशों ने कार को कैसे बेचा इसका पता लगाया जा सके और RTO विभाग में कैसे ये कार ट्रांसफर हुई इसका पता चल सके। DCP अग्रवाल ने बताया कि ये बात सामने आई है कि बदमाश एक्सीडेंटल कारों को सस्ते में खरीदकर उनके डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग करके चुराई हुई गाड़ी को बेचने का काम करते थे। DCP अग्रवाल ने बताया कि बदमाश अपने वाहनों को छुपाने के लिए बड़े शहरी सेंटर ही चुनते हैं क्योंकि बड़े शहरों में गाड़ी को छुपाना और चलाना दोनों ही आसान होता है, इसलिए बदमाश अमूमन बड़े शहर सेंटरों को ही वाहन खपाने के लिए चुनते हैं। छोटे शहरों में गाड़ी के जल्दी ट्रेस होने या मुखबिरी होने का भी डर बना रहता है। हालांकि इस धोखाधड़ी के मामले में कई सवाल हैं जो क्राइम ब्रांच के सामने हैं, जिनकी पूछताछ आरोपियों से की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं ली है। दो लोगों ने इस तरह के जो 4-व्हीलर वाहन होते हैं वो दिल्ली से चोरी होके आ रहे थे और उनको यहाँ पे अलग अलग माध्यमों से और अलग अलग कारणों से उनको खपाया जा रहा था। जो फरियादी जिसने हमें शिकायत करी है उसी गाड़ी जो है कुछ समय पहले एक्सीडेंटल हो गई थी और उसे सुधरने के लिए गैरेज में दिया था, जहाँ पर जो है बिल्कुल हूबहू उसी मॉडल की कार को, चोरी की कार को, फिर उसको दे दिया गया अपनी कार के बदले, ताकि उसे शक ना हो कि जो है उसकी कार जो एक्सीडेंटल गाड़ी थी वो जो है काट दी गई है। तो इस तरह से जो है ये चोरी के वाहनों को खपाने का इन्होंने प्रयास किया है। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक
डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।